इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुएं को क्यों झेलता? हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, बुझे सिगरेट पीढ़ी, दिखे चलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान ना करें, ना करने दें, धूम्रपान पड़ेगा महंगा। खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। ये फिल्म कुछ वास्तविक जीवन के अनुभवों से प्रेरित और इन पर मोटे तौर पर आधारित है तथा घटनाएं हुसैन जैदी द्वारा लिखित उपन्यास मुंबई एवेंजर्स पर आधारित है। किसी भी दृश्य को ऐसी वास्तविक घटनाओं का सही या सटीक चित्रण प्रस्तुत करने वाला नहीं माना जाना चाहिए। जो फिल्म को नाटकीयता प्रदान करने में प्रदर्शित कुछ घटनाओं के रूप में परिवर्तित किए गए हो सकते हैं। ये फिल्म न तो एक वृत्त चित्र है और न ही फिल्म में चित्रित किसी भी पात्र या व्यक्ति की जीवनी है। कुछ व्यक्ति पात्र और स्थान के नामों को काल्पनिक रूप से लिया गया है और इसीलिए किसी भी स्थान व्यक्ति जीवित या मृत संपत्ति आदि की अनुकृति पूरी तरह से संयोगवश है और ऐसा इरादतन नहीं किया गया है। फिल्म में प्रदर्शित घटनाओं को फिल्म में प्रस्तुत किसी भी व्यक्ति पात्र की ओर से कोई निर्दोषता या अपराध बोध सिद्ध करने वाला नहीं माना जाना चाहिए। ये फिल्म किसी भी समुदाय, पेशे, धर्म, समूह, राजनीति के अन्यथा और या किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति को आरोपित या अपमानित करने के लिए नहीं है। नवंबर 2008, मुंबई, रात के 9:54। दो अनजान आदमी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस में घुसे और गोलियां चलाने लगे। अगले 3 दिनों और 3 रातों के लिए मुंबई शहर को अपने घुटनों पर गिरा दिया गया। लश्करे तैयबा के ट्रेन किए हुए 10 टेररिस्ट ने हिंदुस्तानी मिट्टी पर अपना सबसे भयानक हमला बोलकर मुंबई शहर को एक युद्ध क्षेत्र बना दिया। नजर आ रहा है ना, उसे मारो पैर। दुनिया से मतलब ऐसे काम हो जाए तो दुनिया से खौफ जड़ा है वो काबिज हो जाए। जब तक ये दहशत खत्म हुई, 160 से ज्यादा मासूमों को बेरहमी से मार दिया गया था। कईयों के शरीर पर टॉर्चर के भी निशान थे। 7 साल बाद गोलियों के निशानों को प्लास्टर कर दिया गया है, टूटे हुए शीशों को बदल दिया गया है, लेकिन दिलो दिमाग पर लगी चोट आज भी ताजा है, क्योंकि जिन लोगों ने उन हमलों को प्लान किया, उन हमलों को अंजाम दिया, हमारे देश के आत्म सम्मान पर हमला किया, वो लोग आज भी चैन की नींद सो रहे हैं, इंडिया की पहुंच से बाहर। What's your problem, man? Thank you.
Hands up! In a case of violent road rage, a man was thrown off the bridge into the icy waters of the river below. Strangely, police have still not been able to locate his body. It's yet to be seen how that would affect the trial of the man arrested in connection with the alleged killing. Thank you, Your Honor. Case number 06-CF-505, State of Illinois versus Jude Rosario. Verdict. When I tell you to stop and turn face table, stop. We, the jury, find the defendant. Upper lip, lower lip, tongue up. Guilty. Turn around. पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी और ये नई चीज आधार कार्ड, सेल फोन और ये रुपए, सब याद है ना? तिरई से अंदर घुसना है, फिर लखीमपुर बस पकड़ कर जाना है, लखीमपुर में 2 महीने रहना है, फिर उरी ट्रेन से जाना है, वहां जाकर ये सेल फोन ऑन करना है और बाकी के ऑर्डर्स वहीं से लेना है। और किसी हिंदुस्तानी लड़की के इश्क में नहीं पड़ना है। शाबाश बच्चा, चलो। केटा पाकिस्तान का रहने वाला, 8 साल की उम्र में मां मर गई, 2 साल बाद बाप अफगानिस्तान में मारा गया। मुझे फैमिली हिस्ट्री नहीं चाहिए, उसे दामाद नहीं बनाना। पॉइंट पे आओ। इंटरोगेशन में इसने बताया कि लश्कर-ए-तैयबा इंडिया में एक और अटैक प्लान कर रहा है। कहां? वो उसे नहीं पता। उसे पता है, उगलवा उससे। सर, उसे हम लिमिट तक ले जा चुके हैं, पता होता तो अब तक डेफिनेटली बता देता। सर सर, अगर ये अटैक हम रोक भी लें तो अगला अटैक नहीं रोक पाएंगे। सर, कौन है ये? समित मिश्रा, नई डेप्यूटेशन पे आया है एनटीआरओ से, इसके बारे में मैंने बताया था आपको। सर, वो लोग हम पे फिर से अटैक करेंगे, बार बार अटैक करेंगे। जब तक इनका मकसद पूरा नहीं हो जाता तब तक ये लोग अटैक करते ही रहेंगे, क्योंकि ये लोग कितना भी अटैक करें हम लोग तो कभी कुछ नहीं करते सर, कुछ भी नहीं करते, सिर्फ क्रिकेट खेलना बंद कर देते हैं। सर सर, मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम सारे अटैक्स रोक सकते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते। सर, जब अमेरिका कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? ऐसे प्लान पे ठप्पा लगाने वाला कोई नहीं मिलेगा सरकार में। लेकिन सर, सरकार में किसी को बताने की जरूरत ही क्या है? कहां से लाए हो इस पागल को? क्यों नहीं सर? क्योंकि हम अमेरिका नहीं है। रॉय, तुम क्या एक और जंग कराना चाहते हो? सर, उनके एक और हमले की देर है, जंग तो वैसे भी छिड़ जाएगी। तुम बिल्कुल उन बेवकूफ लोगों की तरह बात कर रहे हो जो रात दिन फेसबुक पर चीखते रहते हैं, लेट्स गो टू वॉर, लेट्स गो टू वॉर। 100-200 का बदला लेने के लिए हम हजारों लाखों जाने नहीं गंवा सकते। सर, एक बार आप पीएम साहब से बात। दिस मीटिंग इज ओवर, वापस ऑफिस चलो। इस कमरे में अभी जो कुछ कहा या सुना जाएगा उसका एक लफ्ज भी ना तो तुम्हारे कोलीग्स, ना तुम्हारे बाप, तुम्हारी माँ, बीवी, दोस्त, पड़ोसी या कुत्ते के कान में भी नहीं पड़ना चाहिए। Am I clear? Yes, sir. Let's do it. सर, ये तो सुसाइड मिशन है, टीम का जिंदा वापस आना पॉसिबल ही नहीं। टीम नहीं होगी। मैं भी एग्जैक्टली ये सोच रहा था सर। तो सर, आपके दिमाग में कोई है?
कोई पागल ही ढूंढना पड़ेगा। तीन घंटे नहीं हुए? और तो गए। माँ बाप के साथ रहता है? नो नो, ये अपना नॉर्थ की फाइल नहीं भिजवाई? नो, आर्मी वालों भी मैंने रिक्वेस्ट भेजी थी, वो भी नहीं भिजवाए। नहीं चले। आप थोड़ा जल्दी करिए, बहुत लेट कर रहे हैं। Too high profile. Will attract unnecessary attention. How many times I have to remind you, yaar? Nahi. Jitna jaldi ho sake, mujhe classified files bhejo. Jo Satyajit Bagga. BSF officers wali. Maximum kal tak mujhe ye sari kuch mil jani chahiye. Nahi chalega. I have these 3-4 options. It's too old. Bahut der ho gayi. Aage to nahi nikla hai. Hai to yahi kahin. Address does not exist. Sare pages aapke khali ho gaye. Kya karenge iska? Aap apna kaam nahi kar rahe hain, aap log dhyan do. Too old. Nahi chalega. ना पासपोर्ट है, ना ड्राइविंग लाइसेंस, ना राशन कार्ड। सर फेसबुक पे भी नहीं है, ना ट्विटर। सर ऑन पेपर ये है ही नहीं, बिल्कुल फैंटम की तरह। कौन है? सर फैंटम। अरे ये कौन है? ओ सर सर इंटरनेट पे बस इस एक न्यूज के अलावा और कुछ नहीं है, वो भी बहुत पुरानी है और बिना किसी फोटोग्राफ के। सर बस इस छोटी सी प्रॉब्लम के अलावा परफेक्ट आदमी है सर। छोटी सी प्रॉब्लम? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन सर यही वो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये हमारे लिए परफेक्ट कैंडिडेट है। सर ट्रस्ट मी, दिस इज आवर मैन। दानियल खान, सर उसने तो मना कर दिया है। क्या मतलब मना कर दिया? तुम लोगों को इतनी दूर मैंने इसलिए भेजा कि वो मना कर देगा और तुम लोग भागोगे? ओके सर, हम फिर से ट्राई करते हैं। और पैसे जितने भी तुम चाहो। पैसों का मैं क्या करूंगा? मैं तो मर चुका हूं ना। और मुझे कब्रिस्तान में सबसे अमीर आदमी बनने का कोई शौक नहीं। प्लीज डोंट वेस्ट माय टाइम। मुझे चाहिए तुम्हारे पैसे और इज्जत। फौज से तुम्हें बेइज्जत करके निकाल दिया था दानिया। हम तुम्हें अपनी खोई हुई इज्जत कमाने का मौका दे रहे हैं। सर उसने तो साफ साफ मना कर दिया। क्या कहा उसने? तो अब क्या करना है सर? ठीक है, मैं कल आ रहा हूँ। ओके सर। ये नियायती बेवकूफी वाला आइडिया किसका है? अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे सिर्फ 10 जाहिल सड़क छाप लौंडे दे दीजिए और मैं दुनिया के एक सबसे बड़े शहर में तबाही मचा दूंगा, तो आप उसे भी बेवकूफ़ी कहते हैं, है ना? आप ज़रूर कहते सर, लेकिन उन लोगों ने ऐसा किया। और अगर वो 10 जाहिल लौंडे ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? वो जाहिल थे, मैं नहीं हूं। तुम्हारे अब्बा कर्नल उस्मान खान, कितने साल हो गए उन्होंने तुमसे बात नहीं की? जरा सोचो, इंडियन आर्मी में तुम्हें फिर से देखकर वो कितने खुश होंगे। अगर तुमने ये काम कर दिया तो मैं तुमसे वादा करता हूं, तुम्हें आर्मी में अपनी पूरी इज्जत के साथ वही जगह फिर से दे दी जाएगी। वो हमारे लोगों को मारते रहेंगे और वो दिन दूर नहीं जब दोनों देशों में जंग हो जाएगी। आप जो करना चाह रहे हैं उससे बेशक जंग होगी। नहीं होगी, अगर उन लोगों की मौत एक्सीडेंट लगे। वो बेवकूफ नहीं है, उनको बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि इसके पीछे हमारा हाथ है। हम तो चाहते हैं कि उन्हें पता चले कि इसके पीछे हम हैं, लेकिन हम पर इल्जाम लगाने के लिए उनके पास कोई प्रूफ नहीं होगा। दुनिया की नजरों में वो एक्सीडेंट्स होंगे। देखो दानियाल, हम पाकिस्तान के लोगों पर अटैक नहीं कर रहे, हम सिर्फ टेररिस्ट को खत्म करना चाहते हैं। पिछले 10 साल में 50,000 से ज्यादा पाकिस्तानी भी मारे गए इन सब से रिलेटेड वायलेंस में। हमें 26/11 का जवाब देना पड़ेगा। और एक बार अगर लश्कर को समझ में आ जाए कि हम पर अटैक करने का क्या नतीजा होता है, अगली बार अटैक करने से पहले वो 10 बार सोचेंगे। लेकिन मैं क्यों? I'll be honest with you, Dania. दुनिया की नजर में तुम गायब हो चुके हो, और अगर तुम 2-3 महीने के लिए कहीं चले भी गए तो कोई नोटिस नहीं करेगा। और अगर मैं वापस नहीं आया तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? हम दोनों जानते हैं कि ये काम बहुत मुश्किल है, और इसके बाद तुम्हें ना तो कोई मेडल मिलेगा, ना ही किसी न्यूज़पेपर की फ्रंट पेज पे फोटो, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि तुमने किया क्या है, क्योंकि ऐसा कोई मिशन था ही नहीं। पासपोर्ट्स, टिकट,
सेल फोन, सिर्फ इस नंबर से कॉल करना। ये कॉल्स किसी तीसरे कंट्री से रीरूट होकर हम तक आएगी। वैसे तो हमें कॉल ही मत करना क्योंकि हम तुम्हें जानते नहीं। कैश, कार्ड्स, लॉकर की और कल के मैच की टिकट। नवाज विल मीट यू देयर। हजार लोग हैं। अगर वो यहाँ है तो हमारे पास सिर्फ दो दिन है उसे ढूंढने के लिए। तुम नवाज हो? 10% सीट स्मोकिंग एरिया में है और वो एक चेन स्मोकर है, तो चांसेस आर वो यही होगा। तुम उसे आइडेंटिफाई क्यों करना चाहते हो? रॉय एक नई फाइल बना रही है उन लोगों की जो मुंबई अटैक्स में इन्वॉल्व थे। एंड एज यू नो, इस आदमी की एक ही एग्जिस्टिंग फोन है और वो भी पुरानी। उसे कोई अच्छी तरह नहीं पहचानता। मैंने सिर्फ एक बार देखा है, उसके बाद उसने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है। तो फिर हम किसे ढूंढ रहे? Don't worry. Intelligence reports के मुताबिक चकल ज्यादा नहीं बदली है। Wait! Stop, stop, stop! What's happened? क्या हुआ? वो यहीं कहीं होगा। वो अपनी सिगरेट का फिल्टर तोड़ के पीता है। What are you doing? Can you get off the ground? इसकी वैक्यूम क्लीनर में वैसे ही फिल्टर्स होंगे। Can you get out? अभी देखा मैंने एक। Guys, I've got a job to do here. Yeah? Off the ground. Leave this. What are you doing? Can you please get? Guys. तुम लंदन में क्या करते हो? हम सिर्फ काम की बात करें। I'm a security consultant for Darkwater. It's a private company. जो high risk zones में supplies, security और weapons training provide करते हैं। किसे? जो भी हमें afford कर सके। तुम्हारा रॉ से क्या connection है? मेरी मदद क्यों कर रही है? 10,000 pound. I identify him. I get the money. 10,000 pound? You can buy me a drink then.
अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साहब, हमारे लोगों के लिए आजमाइश का वक्त। आपने जो हमारी मदद की उसकी हम तहे दिल से कदर करते हैं। उसे ठीक से देखा भी नहीं, लेकिन उसकी आवाज, उसका सलाम करने का तरीका बिल्कुल वैसे। इस आदमी को हमारे सिर्फ एक एजेंट ने देखा है, नवाज मिस्त्री। उस वक्त वो मेडिसिन इंटरनेशनल के लिए काम कर रही थी। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में अक्टूबर 2005 के अर्थक्वेक में 75,000 लोग मारे गए थे और लाखों जख्मी हो गए थे। उस टाइम वहाँ दुनिया भर से मेडिकल एड वर्कर्स जा रहे थे क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट उनको इमीडिएटली वहीं पे वीजा दे रही थी। नवाज भी वहीं थी। बस यही एक फोटो है उसकी जो उसके वीजा एप्लीकेशन फॉर्म में थी जब वो क्रिकेट फैन बनकर 2005 में इंडिया आया था। लेकिन उसके बाद उसने लौट कर अपना चेहरा बदल लिया, प्लास्टिक सर्जरी। हमें किसी तरह कंफर्म करना पड़ेगा कि वही है। ओके, तुम उसके पीछे जाओ। अगर वो वापस आने लगे तो मुझे फोन करना। तुम कहाँ जा रहे हो? I have to be sure कि वो है। साजिद मीर, लश्कर का टॉप मिलिट्री ट्रेनर। साजिद माजिद, साजिद बिल, अंकल बिल, अबू बरा, सब इसी के नाम है। 26 पासपोर्ट्स है। 26/11 के सभी टेररिस्ट को इसी ने ट्रेन किया, सारे ऑपरेशंस की प्लानिंग की, और उस रात कराची से हमारे न्यूज चैनल्स देख देख कर उन टेररिस्ट को इंस्ट्रक्शंस दिए। दरवाजे के दूसरी तरफ खड़ा करो उसे। गोली सीधे सर से निकलनी चाहिए। हाँ, बस चला दो। जो मैं कह रहा हूँ वही करो। क्या हुआ? He's coming back. पता लगा यही है कि नहीं? हेलो, हेलो। नहीं, तुम्हें पास से जाकर पता लगाना होगा। Are you crazy? मैं कह रही हूँ, I'm pretty sure. Are you 100% sure? Yes, almost. हम तुम्हें almost sure होने के लिए 10,000 pounds नहीं दे रहे हैं। I need you to be 100% sure. What do you want to do? अरे lighter मांगो, चेहरा पास से दिखेगा। Excuse me. Excuse me.
लाइट। जो भी ग्रीन वॉक्सवैगन से निकले। What are you talking about? नील के साथ बिल्डिंग में गए। उन्हें बाहर निकालो now. Why? Their lives are in danger. Get the old man and his daughter out now. Excuse me, sir. वो ग्रीन वॉक्सवैगन आपकी है? हाँ, क्यों? वो गाड़ी का अलार्म बज रहा है। अलार्म? आप जल्दी आइए। Where are they? What the hell's happening? कहाँ हैं दोनों? वो आ रहे होंगे। उसने कितने लोगों को मारा है? 6 साल से हम उसे ढूंढ रहे हैं। मुझे उसे मारने का एक मौका मिला था जो मैं नहीं जाने दे सकता था, no matter what the cost. Not at my cost. This is not the way I work. Sir. The massive explosion that ripped through the apartment block behind me reportedly killed 2 people. London police say that the explosion was caused by a gas leak. According to the local councillor, one of the men was a Pakistani businessman called Abid Ansari. Other unconfirmed sources say he was also called Abu Bara. Residents of this area are shocked by this incident. CF 505, State of Illinois versus Jude Rosario. We, the jury, find the defendant guilty of second degree murder of Matthew Brody. मुंबई अटैक्स को प्लान करने में लश्कर का सबसे खास आदमी माँ अमेरिकन है और बाप पाकिस्तानी। पैदाइशी नाम दाऊद गिलानी, लेकिन 2006 में अपना नाम बदलकर डेविड कोलमैन हेडली रख लिया और एक नया अमेरिकन पासपोर्ट बना लिया।
इस वेस्टर्न नाम की वजह से उसका इंडिया आना जाना आसान हो गया। हिंदी उर्दू अच्छी तरह समझता है, लेकिन लोगों को कहता था कि वो एक अमेरिकन है। हेडली ने मुंबई में टारगेट्स ढूंढे, GPS कोऑर्डिनेट्स इकट्ठे किए और कॉन्टेक्ट्स बनाए। अपने हर दौरे के बाद पाकिस्तान जाकर लश्कर को वीडियो रिकॉर्डिंग्स दिखाता रहा, उन जगहों जहां से टेररिस्ट आसानी से घुस सकें, अटैक कर सकें और वक्त पड़ने पर वापस लौट सकें। 2009 में हेडली शिकागो एयरपोर्ट में पकड़ा गया, लेकिन अमेरिका ने उसे इंडिया को हैंडओवर करने से इनकार कर दिया। अब वो शिकागो जेल में 35 साल की सजा काट रहा है। हेलो, उस कार्ड ने बताया कि आप भी इंडियन है। US यहाँ ऐसे आए, मतलब या क्या? मर्डर। पता ना कौन है? अमीना खरी का मन करता है जान ले लूं उसकी। जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो, आज पूरे हफ्ते की ड्यूटी अलॉट होने वाली है। कितने पैसे मिलते हैं यहाँ पे काम करने के? वो तो काम पे डिपेंड करता है। सबसे ज्यादा पैसे किस काम को मिलते हैं? Player and battery. $90. Next. You Indian? Yeah. What are you in for? Murder. What are you in for? All clear. बिल्ली जैसी आंखें उसकी, जब भी देखता हूँ ना मेरा ब्लड प्रेशर एकदम हाई हो जाता है गुस्से से। वो करे भगवान का इसे लेके जा रहे हैं यहाँ से, नहीं तो मेरे हाथ आप वाला काम हो जाता। ऑर्डर कहाँ ले जा रहे? टेक्सास हाई सिक्योरिटी जेल में। हेलो, हे बेबी, झूठ बोल रहा हूँ। Who's this? उस दिन क्रिकेट मैच के बाद मैं ठीक से बाय नहीं बोल पाया। So sorry. मेरे घर का नंबर यहाँ से लग नहीं रहा है। तुम्हें तो पता है ना कितना मुश्किल होता है। और मेरे यहाँ कोई दोस्त भी नहीं है तो सोचा तुम्हें फोन कर लूँ।
मुझे $100 चाहिए अभी। ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो प्लीज? वेबसाइट का एड्रेस लिखो। jpay.com, लोकेशन इलिनॉय, शिकागो, आईडी नंबर 24686। हेलो, मेरे पास पैसा नहीं है। शिट। $24686. I got a money transfer. For me? Yeah, $200. Sign here. घर वालों ने ऐसा भेजा है? अच्छा है, अच्छा। Commissary? Yes. Where's the receipt? Plan kya hai? Succinylcholine. Succinyl kya? Succinylcholine, a quick acting depolarizing paralytic muscle relaxant. Perfect poison hai, jiska na to koi nishan milta hai aur jiska chhota sa dose bhi kafi hota hai. Nikalne ki bhi zarurat nahi. Zuban par touch hote hi asar karna shuru kar deta hai. दुबई में महमूद अल मबू के असैसिनेशन में मोसाद ने इसी का इस्तेमाल किया। सीसीटीवी कैमरा पे पकड़े गए, वरना कभी पता ना चलता कि वो कैसे मारा। मिनट के अंदर अंदर बॉडी के सारे मसल्स लॉक हो जाते हैं। कम से कम 5 मिनट तक आदमी सांस नहीं ले पाता। अगर ऑक्सीजन ना दी जाए तो आदमी खत्म। Thank you.
तक शिकागो पुलिस से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है। You have a visitor. I have good news. They found Matthew Brody. They found him? He swam out of the river before the rescue team arrived. So now what? You're a free man. We'll get you out of here by tomorrow. पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन, हाउ मे आई हेल्प यू? मेरा नाम दानियाल खान है, मैं हाई कमिश्नर से बात करना चाहता हूँ। जी, मैं जान सकती हूँ किस सिलसिले में? मेरे पास साजिद मीर की मौत का इंफॉर्मेशन है। दिस इज हाई कमिश्नर शहरयार बेग। साजिद मीर का मरना कोई हादसा नहीं है, उसे रॉ ने मारा है। आई वांटेड टू थैंक यू। आई डोंट नीड योर थैंक्स, I just need to know what the hell you've got me into. क्या चाहते हो? इंडियन आर्मी से निकाले जाने की बेइज्जती का बदला चाहता हूँ। ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? मैं पाकिस्तान में लश्कर के लीडर से मिलना चाहता हूँ। जब तुम उनको खुद बता रहे हो कि साजिद मीर को इंडिया ने मारा है, तो एक्सीडेंट्स का दिखावा करने का क्या फायदा हुआ? वो तुम्हारा एविडेंस दुनिया को दिखा के इंडिया की अगेंस्ट केस बना सकते हैं। पिछले 6 साल से पाकिस्तानी अथॉरिटी सारी दुनिया से कह रही है कि साजिद मीर जैसा कोई आदमी है नहीं। अब जो कोई है नहीं, उसे कोई मारेगा कैसे? और हाई कमिश्नर ने क्या कहा? ब्लडी फूल, तुम क्या समझते हो कि मैं लश्कर का मुलाजिम हूं? मैं पाकिस्तान का हाई कमिश्नर हूं, लश्कर का नुमाइंदा नहीं। आइंदा यहां फोन मत करना। तो तुमने रॉकिंग छोड़ा था? इन बातों का क्या फायदा? I have to go. कहाँ जा रही हो? बेरूत। बेरूत क्यों? तुम बहुत सवाल पूछते हो। हमारे प्रोफेशन में ऐसी इंफॉर्मेशन के पैसे लगते हैं। Well, मैं तुम्हारे कॉफी के पैसे दे सकता हूँ। सीरियन रेफ्यूजी कैंप्स को हम सिक्योरिटी और मटेरियल्स सप्लाई कर रहे हैं। सीरिया? उस जंग में तो पाकिस्तान से लश्कर के भी फाइटर शामिल हैं। एक कप कॉफी के लिए तुम्हें काफी इंफॉर्मेशन मिल गई है। हेलो पाकिस्तान हाई कमीशन, हाउ मे आई हेल्प यू? मैं दानियाल खान बोल रहा हूँ। ओके, होल्ड कीजिए। सर, वही दानियाल खान का फोन है। कहता हूँ मैं नहीं हूँ। सॉरी सर, द हाई कमिश्नर इज नॉट हियर एट द मोमेंट। थैंक यू। डू यू नो व्हेन? साजिद मीर के बारे में क्या जानते हो? साजिद मीर की मौत एक एक्सीडेंट नहीं थी, उसे मरवाया गया था। तुम्हें किसने कहा कि साजिद मीर मर गया है? चलो साजिद मीर नहीं तो आबिद अंसारी या साजिद माजिद या अबू बारा, इनमें से एक तो जरूर मरा है। मेरे पास प्रूफ है कि उस कमरे में जो आदमी था वो ये सारे नाम इस्तेमाल करता था। देखोगे? लंदन से क्यों फोन कर रहे हो? या तो तुम बेवकूफ हो या मुझे समझ लो। एक एक्स इंडियन आर्मी ऑफिसर इंडिया से तुम लोगों को क्यों कॉन्टेक्ट करेगा? अपना नंबर दे दो। नहीं, मैं तुम्हें कांटेक्ट करूंगा। अपना नंबर दो। लिखो। क्या लगता है फिरोज? सर, मुझे तो आदमी की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं है। लेकिन उस गैस एक्सप्लोजन में जो मारा गया था वो साजिद मीर था, ये इसको कैसे पता चला? क्या प्रूफ हो सकता है उसके पास?
मुझे तो कोई चाल लग रही है हैदर साहब। लेकिन अगर सच कह रहा है तो यह हमारे बहुत काम आ सकता है, और पता लगाओ इसके बारे में। हमसे क्या चाहते हो? मुझे पाकिस्तान आकर लश्कर के हारिस सईद या सबाउद्दीन उमवी से मिलना है। तुम पाकिस्तान नहीं आ सकते। लंदन में हमारे एजेंट हैं, उनसे मिलो और अपना प्रूफ दिखाओ। मुझे तुम्हारे एजेंट से नहीं, लश्कर के लीडर से मिलना है। अफगानिस्तान आओगे? नहीं, वहाँ इंडियन एजेंट्स बहुत हैं। मैं उनकी नजर में आ सकता हूँ? फिर हम कुछ नहीं कर सकते। एक जगह है सीरिया, वहां भी तो लश्कर के लोग हैं। पांच मिनट में फोन करो। सर सीरिया? सही जगह है, वहां लश्कर के लड़के और हमारे लोग भी हैं। अगर सच कह रहा है तो पाकिस्तान ले आएंगे, अगर झूठ बोल रहा है तो और एक बॉडी सीरिया में कोई नहीं गिनेगा। पहुंचो सीरिया, अकलमंद हो तो लश्कर के लोगों से वहां रब्ता कर लेना। लेकिन पागल हो क्या? It's a war zone. मुझे वहाँ लश्कर के लोगों से मिलना है। तो जाओ, हर सेल्फ-स्टार जिहादी सीरिया जा रहा है लड़ने के लिए। तुम भी चले जाओ। वहाँ कोई वीसा पासपोर्ट थोड़ी ना पूछ रहा है। लेकिन लश्कर के लोग कहाँ हैं? ये सिर्फ तुम लोगों को पता है। मैं खुद ढूंढने की कोशिश करूंगा तो पता नहीं कितना वक्त लग जाएगा। I don't have so much time. दानियाल, मैं नहीं जानती लश्कर के लोग कहाँ हैं। हम सिर्फ रेफ्यूजी कैंप्स को। Come on, नवाज। डार्क वाटर असलियत में क्या करती है हम सब जानते हैं। ये रेफ्यूजी कैंप सिर्फ एक फ्रंट है। सीरिया में जो सारे जिहादी लड़ रहे हैं उन्हें अमेरिका हथियार सप्लाई करती है डार्क वाटर के थ्रू, और लश्कर भी उन रेबल फोर्सेस में शामिल है। तो तुम लोगों को जरूर पता होगा कि वो कहाँ हैं। तुम बार बार मेरे पीछे क्यों पड़ते हो? लश्कर को पहले से बता रखा है तुम्हारे बारे में। तुम रॉ एजेंट हो, मालूम है हमें। अभी तक टूटा नहीं है कुरैशी साहब, ये दिया इसने। ये कहां से मिले तुम्हें? मेरी सोर्सेस हैं। अगर मुझे ये मिल सकता है तो सोचो और क्या क्या मिल सकता है। बोल कहां से मिले?
मुझे अपनी बेइज्जती का बदला लेने का बस एक मौका चाहिए। मिलिट्री फैसिलिटीज, एयर बेसिस, अंदर की सारी इंफॉर्मेशन है मेरे पास। लड़ाई की वजह से सारे सिग्नल टावर्स गड़बड़ हैं, नेटवर्क बड़ी मुश्किल से मिलता है। ठीक है, मैं सलाहुद्दीन जाकर भेजता हूँ। अगर आप मुझे पाकिस्तान नहीं ले गए तो यकीन मानिए उम्र भर आप इस बात का अफसोस करेंगे। अफसोस हमें होगा या तुम्हें, ये पाकिस्तान में हमारे सदर तय करेंगे। जब तक उनसे बात नहीं हो जाती इसे यहाँ रखो। Follow them and let me know where they're going. लगता है फिर से लड़ाई शुरू हो गई। Shit. Let's do this fast. हेलो कुरैशी साहब, इसका क्या करें? जल्दी बाहर निकलो।
ये दानियाल खान कौन है पता करो। इन लोगों को बताना पड़ेगा कि हमें भी ये गेम खेलना आता है। संपत गैस एक्सप्लोजन में मारा गया, बिल्कुल साजिद मीर की तरह। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। उनको पता चल गया सर। सर सीरिया में जो हुआ उसकी वजह से सर बता दो। Shit. Is there a connection between these two deaths, Mr. Singh? बड़ा ही सीधा कनेक्शन है। गैस एक्सप्लोजन के बदले गैस एक्सप्लोजन। राजन संपत की मौत एक रिवेंज किलिंग है। तो आप ये कह रहे हैं कि वो ISI एजेंट की मौत के पीछे इंडियन गवर्नमेंट का हाथ है? राय, क्या तुम्हारे लोगों ने साजिद मीर को मारा है? नो सर, हमारे लड़कों के इन्वॉल्वमेंट का कोई सवाल ही नहीं उठता है। सर ये सब करने का हमारे पास परमिशन कहाँ है? बिल्कुल नहीं है रॉय, और इसे याद रखना, बिल्कुल नहीं है सर। सर सीरिया में जिसको तुमने मारा वो लिस्ट में नहीं था दानियाल। सर मैं बता चुका हूँ, थिंग्स गॉट आउट ऑफ कंट्रोल, और कोई रास्ता नहीं था। दैट वाज अ स्टूपिड मिस्टेक। अब वो सब कुछ जानते हैं तुम्हारे बारे में। पहले की बात और बिगड़े तो वापस आ जाओ। सर वो वीडियो नहीं भेज पाया था, वो लोग सिर्फ मेरा नाम जानते हैं। We can still... oh, मत जाने आओ। मीडिया में बात ही शुरू हो गई है, गवर्नमेंट के लोगों को शक हो गया है। We will be in serious trouble. लेकिन सर, the mission is over. वापस आ जाओ, right now. So that's it. मुंबई अटैक्स के पीछे जो सबसे बड़ी टेररिस्ट पाकिस्तान में आराम से बैठे हैं, उन्हें कभी सजा नहीं मिलेगी। अब तक तुमने जो भी किया सब बेकार हो जाएगा। It don't mean nothing. अगर पहली मुसीबत पड़ते ही घर वापस भाग जाना था तो उस मिशन के लिए हाँ ही क्यों कहा? मैं भाग नहीं रहा हूं नवाज, मैं भाग नहीं रहा हूं। आर्मी में मेरा एक जवान था, दिलावर सिंह। हर सुबह बड़े जोश में मुझे सलूट करता था। उस सलाम में जो इज्जत थी, जो जज्बा था, पता है मैंने इस मिशन के लिए हां क्यों कहा? क्योंकि मैं दिलावर सिंह की आंखों में अपने लिए फिर से वही इज्जत देखना चाहता हूं, वही सलूट चाहता हूं, उसी जोश के साथ, उसी जज्बे के साथ। क्या हुआ था? डोडा सेक्टर में हम अपनी विंटर पोस्ट को बचाने में लगे हुए थे। 72 घंटे से लगातार शेलिंग चल रही थी। सिर्फ 4 घंटे दूर है, 2 जवानों को तैयार करो। सर मैं जाता हूँ। सर कोई भी आदमी चलने की हालत में नहीं था। 3 दिन से ना कोई सोया था, ना किसी ने कुछ खाया था। अपने आदमियों को बंकर में छोड़ के मैंने अकेले जाने का फैसला किया।
जब मैं उन्हें मिला मैं अपने बंकर से बहुत दूर था। बंकर में मेरे जितने भी आदमी थे सब मारे गए। मुझे आर्मी से निकाल दिया, अपनी पोस्ट को, अपने आदमियों को छोड़ के भाग जाने के इल्जाम में। डैनियल, मैं हमें पाकिस्तान ले जा सकती हूँ। आरिफ मिर्जा जी। What is the purpose of your visit? मैं Medicine International के साथ काम करता हूँ। Good to have you back in Medicine International now. Thank you so much. I visited Arif Mirza from South Africa. He's done extensive work with NGOs in Namibia and South Africa. Can I see your ID card, please? कितने दिन के लिए रुकना है? 10 दिन के लिए। Excuse me. This way, please. एक आदमी पर इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने में इतनी देर क्यों लग रही है? दानियाल खान पे बहुत ही कम इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। 2 हफ्ते हो गए हैं और तुम उसका कोर्ट मार्शल हुआ था, ये सही है, इंटरनेट पे रिपोर्ट भी हैं। इसके अलावा ये पता चला है कि उसके वालिद एक रिटायर्ड कर्नल हैं, माँ बाप देवलाली में अकेले रहते हैं। US Embassy को फोन करो, मुझे हर उस कैदी की फाइल चाहिए जो हेडली के मरने के वक्त शिकागो जेल में था। हमारे किसी आदमी को बोलो दानियाल खान के अम्मा अब्बा को सलाम कराएं। मैंने मना किया था उसे। हाँ सर, इसके बावजूद वो पाकिस्तान पहुंच गए। लेकिन अब जब वो वहाँ पहुंच गया है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगा सर। भरोसे का आदमी कौन है? सर खालिद, मोहल्ला जौहर में 3 साल से एक ढाबा चलाता है, हारिस सईद के मूवमेंट्स पर नजर रखने के लिए। लाहौर कॉन्सुलेट में विनय को कहो कि वो दानियाल को कॉन्टेक्ट करे। विशाल सिंह, वोटर आईडी रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। वोटिंग कार्ड के लिए कुछ डिटेल्स कंफर्म करनी है। फैमिली में कितने लोग हैं? मैं, मेरे हस्बैंड और बेटा। नहीं, मैं आपके हस्बैंड और बेटे की फोटो देख सकता हूँ? फोटो नहीं, वो चेक करना है क्या इलेक्शन सर पर है। जाली कार्ड के बहुत केस हो रहे हैं, वो डिपार्टमेंट ने कहा इसीलिए वी आर डूइंग दैट ऑल चेकअप वगैरह फोटोज वगैरह। दानियाल खान, इनका फोटो देख सकता हूँ? अभी का नहीं है, थोड़ा पुराना है। हाँ चलेगा। हाँ ठीक है, एक मिनट, फोटो मिल गई सर, और वो कह रहा थोड़ी पुरानी है। एम्बेसी को फोन लगाओ। भाईजान, एक-एक रुपया लौटा दूंगा, खुदा की कसम। महीने का 2,000 रुपए ली नहीं कमा पाता, 1 लाख लौटाएगा। भाईजान, सच्ची मोहब्बत करता हूँ मैं आसिया से, एक बार वो शादी हो जाए मेरी, देखना नसीब भी बदल जाएगा। शादी का खर्चा तो लड़की वाले देते हैं। हाँ, गरीब घर की लड़की है भाईजान, पूरी बिरादरी को कहाँ खिला पिला पाएंगे? और तू साला शाहजहां की औलाद है, तो आप ऐसे नहीं देंगे भाई। अरे कहाँ जा रहा है, और ये कौन रखेगा? इस मोटे से करवा लो, बैठे बैठे जलेबी खाता रहता है, पता नहीं पता मेरी। क्या लेंगे जनाब? एक चाय, 2 समोसे। लगा बे। और
नीली पाठक वाले कह रहे थे आपके शक्कर पारे बहुत अच्छे हैं। हाँ, लेकिन वो सिर्फ शाम को ही मिलेंगे। लश्कर ए तैयबा का सुप्रीम लीडर हारिस सईद, दुनिया की हर मोस्ट वांटेड टेररिस्ट लिस्ट में इसका नाम है, लेकिन खुलेआम घूमता है बिना किसी डर के। एक तरफ कलाश निकोव लिए लश्कर के आदमी इसे प्रोटेक्शन दे रहे हैं, दूसरी तरफ पुलिस एंड ऑफ कोर्स द आईएसआई। अमेरिकन गवर्नमेंट ने इसके सर पे $10 मिलियन का इनाम रखा है और घर का पता सब जानते हैं। ही इज आल्सो ऑन ट्विटर। और उम्मी, क्या से वाकई रावलपिंडी जेल में रखा है? जेल कहां जनाब, होटल कहिए होटल। जब से वहां गया है 2 बच्चे पैदा कर चुका है। पाकिस्तान सरकार को भी तो अमरीकियों को दिखाना पड़ता है कि रे भाई, लश्कर को दबाने के बारे में हम सीरियस। सो नाम के लिए भेज दिया जेल में। पांच दिन बाद बहुत बड़ी पब्लिक रैली होने वाली है हारिस सईद की। दानियाल, किसी तरह से अगर एक हमारे हाथ में आ भी गया तो फिर दूसरे तक पहुंचना नामुमकिन हो जाएगा। पूरी पाकिस्तान की पुलिस और आर्मी हमें ढूंढने लगेगी। अनलेस इंडिया ये चाहता है कि पाकिस्तान की ज़राअत और सनअत को बिल्कुल तबाह कर दिया जाए। पाकिस्तान आज इस हद तक कमजोर हो गया है और आज तू दिल्ली में बैठ के ये कह रही है कि मैंने सर की कीमत मुकर्र की और तुम्हारे जिहाद ये नहीं है कि इसको बीमार हो उसको बीमार हो और काफिर को मारो। की तो बात है भाईजान, खुदा कसम फिर कभी कुछ नहीं मांगूंगा। कहाँ का नवाब है तू जो 1 लाख चाहिए? शादी सिर्फ एक बार होती है भाईजान, उसमें दोस्त रिश्तेदार बिरादरी सबको अपनी खुशी में शामिल करना है और 1 लाख कोई ज्यादा नहीं होते हैं। खाना पीना डेकोरेशन टेबलें कुर्सियाँ हैं फोटो लाइटें स्टीरियो सब मिलाकर उतना ही होता है। खुदा की कसम, कब हो रही है शादी? सर ये पैसे दे दे तो हम आज ही कर लें। अम्मी भी गाँव से आ गई है गोटे का दुपट्टा ओढ़ कर। बेचारी बारात निकलने के इंतजार में दरवाजे भी टकटकी लगाए बैठी रहती है कि कब आएगी उनके शहजादे शहजाद की बारात। खुदा की कसम, अबे जितनी चाहे कसमें खा ले, मैं एक ढेला भी नहीं देने वाला। अरे इनसे अच्छे तो वो मुजाहिदीन थे, तिरेनी कैंप में दाखला दिलवा रहे थे 3,000 रुपये महीने का, एटोमेटिक बंदूक और बूट भी दे रहे थे। और अब तक तुझे फौत भी कर चुके होते तो क्या हुआ, जन्नत ही तो जाते, तुम्हारी दुकान तो अच्छी होती। जन्नत जाएगा बस। उम्मी को कमर दर्द का पुराना प्रॉब्लम है, लाहौर से हर हफ्ते डॉक्टर जेल जाता है इंजेक्शन देने। डॉक्टर की अगली विजिट कब है? हर जुमरात को जाता है, यानी अब की 14 तारीख को जाएगा। रैली से एक दिन पहले डॉक्टर को किसी तरह अप्रोच कर सकते हैं? सोचना भी नहीं, 20 साल से है साथ उनके, डॉक्टर कम लश्कर का वफादार ज़्यादा है, न दम से मानेगा न दाम से। लेकिन हाँ, डॉक्टर की एक पुरानी नर्स है अमीना भी। अमेरिकियों ने शिकागो वाली फाइल्स भेज दी हैं। ग्रेट, मुझे हर फाइल का प्रिंट आउट चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम, बोलिए जी। वो स्कूल का प्रोग्राम है, किराए पर सामान उठाना था। क्या क्या लगेगा जी? वो जलसे तकरीरों में नहीं लगते हैं बड़े वाले माइक, वो ऐसे वाले? जी हाँ, यही। हरीश साहब की रैली 15 तारीख को है और उम्मी से मिलने डॉक्टर 14 तारीख को जाएगा। हमारे दोनों प्लान सक्सेसफुल भी हो जाए तभी हम दोनों को एक बार खत्म नहीं कर सकते। इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। पॉसिबल है अगर उम्मी का डॉक्टर से मिलने 14 को नहीं बल्कि 15 तारीख को जाता है तो। और वो कैसे होगा? खालिद उस डॉक्टर के क्लिनिक में एक नर्स के बारे में बता रहा था। आपका अंदाजा सही था। रैली के लिए रशीद वाले ही साउंड इक्विपमेंट सप्लाई कर रहे हैं। गुड। अच्छा सुनो, मुझे शहजाद की शादी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। शहजाद की शादी? मीनाबा जी, वो डॉक्टर साहब 10 मिनट में निकल रहे हैं, हमीद आलम की दवाइयाँ मांग रहे हैं फौरन, पहले आप वो दे दीजिए। खालिद इन्हीं के बारे में बात कर रहा था, हस्बैंड शादी के 1 साल बाद ही मर गया था, एक बेटा था, अमीनाबी ने उसे अकेले पाला, वो लश्कर के लिए सुसाइड बॉम्बर बन गया। खालिद कह रहा था कि बेटे की मौत के बाद लश्कर के कुछ लीडर्स आए थे, हमदर्दी जताने और पैसे देने,
जो सुसाइड बॉम्बर्स के फैमिलीज को दिए जाते हैं। तो अमीना बी ने पैसे लेने से इनकार कर दिया, यहां तक कि उन्हें अपने घर में घुसने से भी मना कर दिया। दो दिन में शादी करवा रहा हूं तेरी, सुन रहा है? शादी करवा रहा हूं तेरी। भाई जान, ऐसे बेहूदे मजाक में बिल्कुल पसंद नहीं है। सच कह रहा हूं। ये ले, पूरे 50,000 है, और 1,00,000 नहीं पूरे 3,00,000 दे रहा हूँ। धूमधाम से शादी कर अपनी, बाकी के कल दे दूंगा। तेरे ही, देख क्या रहा, तेरे ही। थैंक यू भाईजान, थैंक यू, थैंक यू। आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आपकी इतनी पाई चुका दूंगा भाईजान। क्यों, वरना शादी कैंसिल कर दूंगा तेरी। मैं जाके अम्मी को बताया। अब निकलेगी शहजादे शहजाद की बारात। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम नवाज मिस्त्री है, मैं वेलेसिन इंटरनेशनल के लिए काम करती हूँ। हम यहाँ एक मेडिकल रिलीफ कैंप चला रहे हैं, लेकिन वॉलंटियर्स की बहुत कमी है, खासतौर से मेडिकल स्टाफ की। आप पाकिस्तानी हैं? जी। लहजा अलग है। पारसी हूँ, फैमिली साउथ अफ्रीका में है पुश्तों से, लेकिन पाकिस्तान में कई साल काम किया है। हमें आप जैसे एक्सपीरियंस लोगों की बहुत ज़रूरत है। क्या आप इस क्लिनिक में काम करना चाहेंगी? जितना भी वक्त आप निकाल सकें। नहीं, आपके बेटे के बारे में सुना हमने। अरशद की उम्र की कई ब्लास्ट विक्टिम्स आते हैं हमारे यहाँ। आपने भी अपना बेटा खोया है, आप इन बच्चों का दर्द समझ पाएंगे। मुझे लगता है आपको जाना चाहिए। बस एक बार कैंप तक तो आ जाइए, एक बार अपनी आंखों से देख लीजिए इन लोगों का क्या हाल है। हमें आपकी मदद की कितनी ज़रूरत है। फिर हाँ या ना, आपकी मर्जी। खुदा हाफिज़। कितने फाइल्स हो गए फिरोज? करीब आधी हो गई हैं, कल रात तक पूरी हो जानी चाहिए। 4 माइक, 2 स्पीकर और डिस्कवरी लाइट्स चाहिए। शादी है। कब पड़ेगा शादी जी? परसों शाम को। परसों? बड़ी जल्दी आ गए ऑर्डर लिखवाने के लिए। बक्के शादी करवा रहे हो क्या? मजाक कर रहा था, 14 को नहीं हो पाएगा जी, 15 को रह लिए। देखिए, सारा सामान आपकी दुकान में परसों रात ही पहुंच जाएगा, सही सलामत। वो सब ठीक है जनाब, लेकिन मुमकिन नहीं है ना, शेख साहब की रैली है। कहां घूमता फिरूंगा इन वक्त पर। वो सब आप देख लो जी। देखिए, पूरा का पूरा पेमेंट अभी कर देता हूँ, कैश में। हैं जी भाईजान, ऊपर से आप भी कुछ रख लेना। क्या क्या चाहिए? मैं अभी देख के आती हूँ। दो बच्चे हैं, 3 साल की बच्ची और 7 महीने का लड़का। जुम्मे बाजार से उसके लिए खिलौने लेने गई थी। सिर्फ 16 साल का है। बड़ी मस्जिद वाली ब्लास्ट में दोनों टांगे चली गई।
कुछ नहीं जानती थी। वो कब इस रास्ते पर निकल पड़ा पता ही नहीं चला। अगर पता होता तो मैं कभी ऐसा नहीं करने देती। जिंदगी का खाना है। रोको उसे। जल्दी करो, शेख साहब की गाड़ी आ रही है। पाकिस्तान के लिए बीबी। Thank you.
एग्जिट प्लान क्या है? अब एयरपोर्ट तक पहुंचना नामुमकिन है सर। दानियाल, वो लोग मिनटों में पूरा शहर बंद कर देंगे। इससे पहले तुम वहां से निकल जाओ किसी भी तरह। मैं आपको बाद में फोन करता हूं सर। ओके, ठीक है, लेकिन अपना फोन ऑन रखना। जी। अपने कपड़े निकालो जल्दी। एक्सपायर हो रहा है, रिन्यू करवा लो। ठीक है, जाने भाई। कर रहे हैं सर, मैं सच कह रहा हूँ अल्लाह कसम, ये आदमी अकेला आया था मेरी दुकान में शादी का सामान लेने के लिए। शादी किसी थे? यहाँ भाई बच्चा बस होने वाला है, कहे टूट रहा बेचारी को, जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुँचना है। एक मिनट लगेगा, बस चेक कर लेता हूँ। अरे कमीने, जान निकल रहे हो, जल्दी चलो यहाँ से। एक मिनट लगेगा, चेक कर लेता हूँ भैया, एक मिनट। अरे तुम्हारी माँ नहीं है क्या बंजार? अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया ना तो मैं चक्कू में आके एक एक को जान से मार दूंगी। कमीने, जल्दी जल्द। यहाँ से इंडिया बॉर्डर बस 26 किलोमीटर की दूरी पर है, इस एरिया का चप्पा चप्पा कवर कर दो। सर लाहौर के आसपास का सारा बॉर्डर एरिया वो लोग 100% बंद कर देंगे सर। सर यहाँ डेरा नानक पे हमारे कुछ लोग हैं, उनको बोलिए कि वो लाहौर से नॉर्थ की ओर ड्राइव करें। बॉर्डर जाने वाले लालो और धिलवान के रास्ते भी बंद करवा दो, हर गाड़ी की चेकिंग होनी चाहिए। लेकिन सर वो अफगानिस्तान बॉर्डर की तरफ से तो निकल सकते हैं या फिर ईरान। लेकिन बॉर्डर तो नॉर्थ में भी बंद। सर सारे लैंड बॉर्डर्स बंद हो चुके होंगे, उनसे कहिए साउथवर्ड्स ड्राइव करते रहें कराची की तरफ। लेकिन ऐसे तो वो पाकिस्तान के और भी अंदर फंस जाएंगे। सर दानियाल भी वैसे ही आ सकता है जैसे वो लोग आए थे, कराची से बोट में। लेकिन कराची पहुंचने में कम से कम 10 घंटे और लगेंगे सर। और कोई रास्ता नहीं है दानियाल, पाकिस्तान का कोई भी बॉर्डर क्रॉस करना इम्पॉसिबल है। 26/11 के बाद कराची के मनोरा जेटी पेट्रोल पंप पे हमने एक आदमी प्लांट किया था सर, वो आदमी दानियाल को वहां से अपनी बोट में ले जा सकता है। सर, लेकिन क्या? सिर्फ पाकिस्तान के टेरिटोरियल वॉटर्स की लिमिट तक, उसके आगे पाकिस्तानी नेवी उन्हें इंटरसेप्ट कर लेगी। सर मुझे लगता है हमें अपनी बोट पाकिस्तानी वॉटर्स तक भेजनी चाहिए। वो तो मुझे भी मालूम है, उसके लिए गवर्नमेंट की क्लियरेंस लेनी पड़ेगी। हरे सही तो रूमवी मारे गए? जी सर, न्यूज रिपोर्ट्स बस आती ही होगी। तुम्हें कैसे मालूम? सर उन दोनों को हमारे आदमी ने मारा है। बोल सर जी, भाईजान के सफेद सुजुकी की गाड़ी है। उसे वहां से निकालना हमारी जिम्मेदारी है, वो हमारा आदमी है सर। हमारा नहीं, तुम्हारा आदमी है, रेम्बो बना के भेजा था उसको, अब खुद ही निकालो उसे बाहर। मुझे अभी के अभी सब कुछ प्राइम मिनिस्टर को बताना पड़ेगा। लेकिन सर मेरी बात तो सुनो। I say get out। जी जनाब, LEA 1901। जी जनाब, 11 बजे, सुबह 11 बजे जनाब। सर सुबह 11 बजे लालकुआं चेकपॉइंट से। कराची पुलिस को गाड़ी का नंबर भेजो। लेट मी बी ब्लंट सर, क्या सबाउद्दीन उमवी और हारिस सईद को इंडिया ने मरवाया है? नहीं, इन दोनों की मौत से इंडिया का कोई लेना देना नहीं है। लेट मी स्ट्रांगली रिएट्रेट एट दिस पॉइंट that India does not believe in vigilante justice. एक आइडिया है सर। मिस्टर रॉय। सर दानियाल खान का फोन आया था सर, वो कह रहा था कि वो पाकिस्तान गवर्नमेंट को सरेंडर करने वाला है और उनसे ये भी कहने वाला है कि दोनों किलिंग्स के पीछे भारत सरकार का हाथ है। नॉनसेंस। सर दानियाल ने धमकी दी है सर, वो कह रहा था कि आधे घंटे के अंदर वो सरेंडर कर देगा। जब तेरी छुट्टी मंजूर हो गई है तो हमें क्या एतराज है। रोक भाई रोक। सर, यस सर, मैं आपके फोन का इंतजार करूंगा। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस नेवी से बात कर रहे हैं।
हाँ भाई, कहाँ से आ रहे हो? जी जनाब। लाइसेंस दिखाओ। जी जी एल ई ए 1901। समित। यस सर। पालम एयरबेस पर तुम्हारे लिए एक नेवी प्लेन तैयार खड़ा है, वो तुम्हें वेस्टर्न नेवल बेस तक ले जाएगा। मुझे सर? लाहौर का बना हुआ है लाइसेंस। जी चलो निकलो। ओ जाने दो भाई। ठीक है जाओ। कहाँ जा रहे हो? जी मोहरीपुर। हमारा एक बंदा ही लेते जाओ यार। जी चलो आ जा। वो शर्म करो, जनानी बैठी है पीछे से आ। चला अब बैठ। हम आपको पाकिस्तानी समंदर पार करा देंगे, वहां से इंडियन नेवी आपको उठा लेंगे। मेरा सैटेलाइट फोन ऑन है, इसमें उनको हमारी लोकेशन पता रहेगी और वो आप तक पहुंच जाएंगे। थैंक यू। गाड़ी मोरीपुर को जा रही थी। मुझे लगता है सर मनोरा जट्टी की तरफ जा रहे हैं, यकीनन बोट से निकलने वाले हैं सर। नेवल कमांड को आगाह करो, इस एरिया की सारी बोटों को रोक ले। मसला हो जाएगा सर, मनोरा और मोरीपुर से तो बेशुमार बोटें निकलती हैं। I don't care! पानी में जितनी किश्तियां हैं सबको रोक दो, हर एक को। समित। यस सर। ये बोट की पोजीशन है जो उनके सैटेलाइट फोन के सिग्नल से मिल रही है। ओके सर। 10 मिनट में ये बोट इंटरनेशनल वाटर्स में आ जाएगी। किनारे से इतनी दूर क्यों? मच्छी का पीछा पकड़ रहे हैं हुजूर, आजकल बहुत कम हो गई है। चेक करो। ओके जनाब। उधर पीछे चेक करो। उधर पीछे भी। हमारे आगे और भी कोई बोट्स थी? मालूम नहीं हुजूर, यहाँ तो बहुत सी घूम रही है। मस्ती क्लियर है जनाब। मुझे लगता है इन्हें रोका गया, दोनों बोट रुकी हुई। जनाब लाइट घुमा उधर। पानी में
बोट अभी भी पाकिस्तान के पानी में, लेकिन वहां तक हम जा नहीं सकते। यहां से कितनी दूर है? ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन इससे आगे जाने के ऑर्डर्स हमारे पास नहीं है। उन्हें इंटरनेशनल ऑर्डर्स में आना होगा। राजी की तरफ वापस बोट घुमाओ। हुजूर, लेकिन हम मैंने कहा ना घुमाओ, चलो मेरे साथ। ठीक है, नेविगेशन चल सिखाओ। चलो अंदर। वेट अ मिनट, ये पाकिस्तान वापस क्यों जा रहे हैं? लौटना पड़ेगा सर। वो यहीं है, वो यहीं पर है सर, जहां बोट रुकी थी दानियाल वहीं पे है, हमें बस वहां तक जाना है सर। आई एम सॉरी, हमारे पास पाकिस्तानी बॉर्डर्स में जाने के ऑर्डर्स नहीं है। टर्न सर रॉन्ग, वी हैव टू गो बैक। नो सर, नो सर, हम उससे सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे हैं सर, हम उसे छोड़ नहीं सकते। मैं कह चुका हूं हमारे पास पाकिस्तानी वाटर्स में जाने के ऑर्डर्स नहीं है। टर्न बैक। नो, सर 26 नवंबर 2008 की रात को आप कहां थे? कहां थे आप उस रात जब सिर्फ 10 लोगों ने हम 100 करोड़ लोगों को बेइज्जत किया था? आप जहां भी थे, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपको भी कमजोरी का, लाचारी का और बेइज्जती का एहसास हुआ होगा। आपका भी खून खोला होगा, मेरी तरह, पूरे देश की तरह। और सर, ये आदमी जिसको हम डूबता हुआ मरने के लिए छोड़ रहे हैं सर, इसने अकेले उन सब लोगों को मारा है जिन्होंने उस दिन हिंदुस्तान को उसके घुटनों के बल गिरा दिया था। सर, अगर आज हम इस आदमी को नहीं बचा पाए तो इस टेक्नोलॉजी का, इस पावर का सर, इस सब का क्या फायदा है सर? इट्स ऑल यूजलेस। Thank you.
पता है मैंने इस मिशन के लिए हाँ क्यों कहा? क्योंकि मैं दिलावर सिंह की आंखों में अपने लिए फिर से वही इज्जत देखना चाहता हूं। वही से लूट जाता हूं, उसी जोश के साथ, उसी जज्बे के साथ। मैम, हम आपको बेशक ले जाने आए हैं। बेटी चाय पियो। मेरे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, आज मैं किसी से पैसे नहीं लूंगा। दो। मेरा बेटा ताज में वेटर की नौकरी करता था, उस रात उसे भी मार दिया गया। आज जब मुझे पता चला कि उन कातिलों को खत्म कर दिया गया है, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे बेटे के रूह को सुकून मिल गया। इसलिए आज मैं पैसे नहीं लूंगा। हाँ चाचा जी। हाँ, एक और कप चाय मिल सकते हैं? जरूर जरूर। हाँ शुक्रिया।